वेन डायग्राम्स। जॉन वेन इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉजिक प्रोबेबिलिटी, सो ही डिस्कवर्ड वेन डायग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स पर हम कितने तरह के ऑपरेशंस करते हैं। जैसे हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस मालूम है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। वैसे ही सेट्स पर अगर हम देखें तो पहला ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। सी, इफ वी हैव सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, वी हैव अनदर सेट बी कंटेनिंग एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8। नाउ द इंटरसेक्शन मीन्स वी विल राइट डाउन इट इन दिस वे, ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस इज ऑल्सो अ सेट। इन दिस सेट वी हैव द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन दीज टू सेट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 and 4 कॉमन, सो द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ द सेट्स लाइज इन द इंटरसेक्शन ऑफ दोज टू सेट्स। जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं वो एलिमेंट्स उसके इंटरसेक्शन में आते हैं। ओके गाइज, ओके, लेट अस सी द अनदर ऑपरेशन। इट्स नेम इज यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। नाउ पर्टिकुलरली इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड यूनियन ऑफ टू सेट्स ओनली। अगेन वी विल टेक द सेम सेट्स, सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1, 2, 3 and 4। We will take the same set B as 2, 4, 6, 8. Now earlier we have seen how to find the intersection. Now we will see how to find the union. Union is written in this way, this big U. And in the union, what we are going to do is, we will write down all the elements of both the sets. And we are taking one care that the repeated elements, we have to write down the repeated elements only once. For example, 2, 2, 4, 4, they are the common elements. So here we have written them only once. So this is the intersection and this is the union. These are the operations on sets. So in this way, we have taken the operations. I hope you guys have understand that. Please subscribe our channel. We'll meet in the next video lecture. Thank you.